Welcome to our channel Gravity Coaching Center. 9. Exercise 2.5 Chapter 2 Polynomials Factorize. तो इन क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है थ्रू दी आइडेंटिटी लगा के. तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट तीन टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं. तो ये हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर हो जाएगा 3y की होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, और लास्ट क्या है 16z स्क्वायर. तो 16 हो जाएगा 4z होल स्क्वायर. इसके बाद हमें साइन पता करना है इसमें से कौन से टर्म नेगेटिव होगा. तो इसे यहाँ से चेक करना है, एक्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वाई जो है ये पॉजिटिव है, वाई यहाँ नेगेटिव है, जेड के जो केस है यहाँ भी नेगेटिव है, सेकंड वाले दोनों में जेड नेगेटिव है. तो हम क्या करेंगे, जेड वाले टर्म में माइनस लगाएंगे, प्लस टू डॉट ए के प्लेस में क्या आएगा 2x और बी के प्लेस में 3y प्लस 2bc मीन्स 3y माइनस 4z और लास्ट वाले 2ca मीन्स 2 माइनस 4z और ये 2x. अब ये होल पार्ट मेरे फॉर्मूले में सेट हो गया. तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर. तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y और ये प्लस माइनस माइनस 4z होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और फिर अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z फोर जेड आंसर नंबर 2. इस क्वेश्चन में भी हम फर्स्ट जो 3 टर्म है उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में पहले करना है. तो 2 का तो कोई स्क्वायर होगा नहीं, तो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट टू एक्स की होल स्क्वायर है. तो रूट टू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा. और वाई तो एज इट इज पहले से इसका कुछ चेंज नहीं होगा, वाई स्क्वायर या वाई होल स्क्वायर. और जो 8 है, 8 का 8 को कैसे करना है मैं बता रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 8 जो होगा वो क्या होगा, रूट जेड होल स्क्वायर. और रूट 8 का क्या होता है, टू रूट टू जेड होल स्क्वायर. तो हम ये यूज़ करेंगे, 2√2 8 के प्लस पे प्लस 2√2 जेड स्क्वायर. हम साइन आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स नेगेटिव यहाँ पे है और एक्स यहाँ नेगेटिव है. तो एक तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा एक्स वाले टर्म, और वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, ये दोनों में साइन नहीं आएगा माइनस का, प्लस 2ab. तो ये 2a हमारा हो गया माइनस रूट
2x और b जो हो गया वो हो गया ओनली y प्लस 2bc मीन्स 2y और 2 root 2z प्लस 2ca मीन्स 2 root 2z और माइनस √2x। अब ये पूरा फॉर्मूले में हमारा सेट हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और इसको नाउ अगेन इसको हम 2 times लिख देंगे, ये आंसर हो गया। ये हो गया माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और इसको अगेन वही लिखना है, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z आंसर।